तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हम लोग। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लास्ट हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखा था, है ना। और बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हमने डिसाइड किया था कि क्या चीज स्टेबल होती है, क्या चीज अनस्टेबल होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिसाइड करते ही है ना। और मोस्ट स्टेबल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उस हिसाब से क्या बनता है, Iron-56। ओके, अब आगे करते हैं डिस्कशन को, फिर बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स की। तो तुम लोग को पता है जैसे बोर मॉडल के अंदर फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एटसेट्रा सबकी कुछ एनर्जी डिसाइडेड होती है, राइट। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी शेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, ये एल्यूमिनियम के शेल्स बता रखे हैं, ये जीरो शेल, और यहाँ पे मतलब स्प्लिट लाइन्स है, यानी बहुत पास पास के एनर्जी लेवल्स हैं। इस तरह करके ये न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी शेल स्ट्रक्चर होता है, राइट। ठीक है, हालांकि इसके लिए कोई सिंपल फॉर्मूला हम लोगों को याद नहीं रखना है, कि क्योंकि शेल ट्रांजिशन वगैरह कोई अपना हम डील करने वाले न्यूक्लियस में, बट होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम इन शेल्स ऑफ वेरिंग एनर्जीज, देयर इज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल्स इन द न्यूक्लियर शेल्स। द एक्साइटेशन ऑफ अ न्यूक्लियॉन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर एनर्जी लेवल मेक्स अ मेटास्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियस व्हिच कैन गो बैक टू द ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग अ गामा फोटोन, अ वेरी हाई एनर्जी फोटोन। ये बात भी कल मैंने बताई थी कि मेटास्टेबल जो होते हैं वो स्टार करके उनको उस स्टेट को दिखाया जाता है, और उससे डी एक्साइटेशन हो सकता है। फिर इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर स्पिन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पिन होती है, इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी स्पिन होती है। ऑल्दो न्यूक्लियस का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो टिपिकल इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से बहुत कम होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंपेरेबल ही होता है। तो क्या लिखा, मेनी न्यूक्लाइड्स हैव इंट्रिंसिक न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंड एसोसिएटेड न्यूक्लियर मैग्नेटिक एंड एसोसिएटेड न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंट आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम, बट देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स आर मच स्मॉलर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की। तो थोड़ा सा मैंने बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है एक प्रोटॉन और प्रोटॉन को बांधने में हेल्प करता है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या खाली अट्रैक्टिव ही होता है या रिपल्सिव भी होता है? आंसर है न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। इसी तरह की बात है, जैसे तुम याद करो जब तुमने वर्क फॉर एनर्जी पढ़ा था, तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व तुम लोग देख रहे थे, दो एटम्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कर्व, तो ऐसा करके ऐसा कुछ आया था, याद है? इस तरह से ऐसा कुछ आया था ना, जब बहुत ज्यादा पास हो जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है रिपल्सिव हो जाती है, और उसके बाद फिर दूर जाते हैं तो अट्रैक्टिव हो जाती है। तो इसी तरह से न्यूक्लियॉन्स का भी है, स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्पेसिंग बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा, यानी रिलेटिवली, एक तो इक्विलिब्रियम स्पेसिंग होगी, उससे ज्यादा है तो अट्रैक्टिव हो जाता है, और उससे कम होता है तो रिपल्सिव हो जाता है, राइट। अब ये न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन क्या है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड मीसॉन एक्सचेंज थ्योरी। न्यूक्लियर फोर्स किससे होता है, सब लोग ध्यान से सुनो मेरी बात, न्यूक्लियर फोर्स किसकी वजह से होता है, मीसॉन एक्सचेंज की वजह से होता है। तो मीसॉन एक्सचेंज से न्यूक्लियर फोर्स कैसे क्रिएट होता है वो अब यहाँ पे दिखाया हुआ। तो ये समझो एक प्रोटॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, ठीक है, यानी एग्जाम्पल के लिए दिखाया, इंसानों के साथ दिखाया, बट क्या कर रहे, ये एक न्यूक्लियॉन है, ये एक न्यूक्लियॉन है, और ये क्या कर रहा है, ये एक मीसॉन को इसकी तरफ फेंक रहा है। तो जब तुम मीसॉन को आगे की तरफ फेंक रहे हो तो तुम्हारे ऊपर रिकॉइल मोमेंटम मिलेगा तुमको, बात समझ आ रही है कि नहीं। तो एक प्रोटॉन जो है दूसरे प्रोटॉन की तरफ मीसॉन को थ्रो करता है तो रिकॉइल उसको मिलता है, तो इसके पीछे ऐसे बैकवर्ड फोर्स लगेगा। इसी तरह से फिर इसके पास आ गया तो ये भी एक मीसॉन को इधर फेंकेगा, तो मीसॉन नंबर तो कंजर्व ही है, आगे पीछे मीसॉन चल रहा है, ठीक है नहीं। बट थ्रोइंग द मीसॉन्स लाइक टुवर्ड्स ईच अदर, दिस क्रिएट्स अ रिपल्सिव फोर्स, राइट। इसकी जगह क्या कर सकते हो, इसकी जगह ये खींच भी सकता है, ठीक है, ये इससे खींच रहा है, ये इससे खींच रहा है। जब खींच रहा होगा ऐसे ऐसे करके तो फिर क्या होगा, दिस फोर्स विल बिकम अट्रैक्टिव, राइट। ऐसे अपनी तरफ खींच रहा है इसको धक्का देने की जगह, तो देन इट विल बिकम अट्रैक्टिव। तो सेम मीसॉन एक्सचेंज से ही हमारा रिपल्सिव फोर्स भी जनरेट होता है, और सेम मीसॉन एक्सचेंज से ही हमारा अट्रैक्टिव फोर्स भी जनरेट होता है। और ये मीसॉन जो होता है, ये मीसॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। इसके अलावा न्यूक्लियर फोर्स में एक न्यूक्लियर फोर्स और होता है जिसको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स का रोल नॉर्मली एटम को, न्यूक्लियस को साथ में रखने में नहीं होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स का रोल होता है जब हमारा क्या कहते हैं बीटा डिके होता है। तो बीटा डिके में बहुत ज्यादा डिटेल थ्योरी हम नहीं पढ़ने वाले, बट देर इज अ पार्टिकल कॉल्ड बोसॉन, तो बोसॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। जब बीटा डिके होता है तो बोसॉन्स के, बोसॉन्स से कुछ रिलेशन है, यानी मैं भी भूल रहा हूँ बट वो है नहीं अपने सिलेबस में, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते तो उसमें आता है। तो डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन का कुछ चक्कर होता है बीटा डीके के अंदर, बट इतना बस याद रखना एज अ फैक्ट कि वीक न्यूक्लियर फोर्स का कहाँ रोल होता है, बीटा डीके में, ये एज अ फैक्ट याद रखना, क्योंकि हो सकता है मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन बने जिसमें पूछा होगा इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, मैच करना पड़े। तो ध्यान रखना न्यूक्लियस को इकट्ठा रखने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और बीटा डीके के अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्स।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या क्या पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, मीसॉन, और वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, बोसॉन। ठीक है, ध्यान रखिए, तो पढ़ देते हैं इसको जल्दी से। देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, नेमली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज एट्रिब्यूटेड टू एक्सचेंज ऑफ मीसॉन्स, हुज थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जापानीज फिजिसिस्ट हिडेकी युकावा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द स्ट्रॉन्ग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, ऑल्सो रिपल्शन इफ द डिस्टेंस इज स्मॉल। The weak nuclear force is mediated by bosons and is involved in beta decay. तो ये जो theory है ना, ये युकावा ने दी थी इस तरह की theory, particle exchange से force. In fact, एक और theory ऐसी exist करती है जिसमें बोलते हैं कि सारे ही force जो particle exchange से होते हैं, gravity के लिए gravitons मानते हैं कि gravitons type के होते हैं, और electromagnetic forces के बोलते हैं photon exchange type का होता है, ऐसा मतलब there's a theory that everything is a particle, इस तरह की theory exist करती है, everything is mediated through particle exchange, ऐसा भी theory exist करता है, ठीक है? ओके और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कितनी होती है, करीब करीब 2 फेमटोमीटर, ठीक है, 2 × 10⁻¹⁵ मीटर। अब यहाँ पे जो है ये ग्राफ दिखा रखा है तुम्हारा, न्यूक्लियर फोर्स यानी न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन का ग्राफ दिखा रखा है, ये किसके लिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए। तो इस ग्राफ के ऊपर अभी फोकस करो, तुम लोगों को पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मेरा माइनस डेल यू बाय डेल आर, राइट, पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेटिव होता है वो फोर्स है। तो ये जो ग्राफ दिखा रहा है, तो दिखा रखा है तुमको किसका दिखा रखा है, यू वर्सेस आर का, आर क्या सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स और यू क्या पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो जब सेपरेशन बहुत ज्यादा है तो तुम देख सकते हो कि इसका स्लोप जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी फ्लैट है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो फोर्स होगा। और जब करीब करीब यहाँ पे दिखा रखा है कि करीब करीब 3 फेमटोमीटर के अंदर, यहाँ पे जैसे आई डोंट नो वेदर इट इज टू द स्केल, बट यहाँ पे जो समझ में आ रहा है 3 फेमटोमीटर से फोर्स लगना चालू हुआ है, राइट। और यहाँ पे देखो स्लोप जो इसका बढ़ते जा रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, कहीं पे अट्रैक्टिव फोर्स के बाद ये रिपल्सिव जोन में चला गया, समझे कि नहीं, जबकि 0.5 फेमटोमीटर से भी कम सेपरेशन आ गया प्रोटॉन टू प्रोटॉन, या सॉरी दिस इज न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तो उसके लिए ऐसा ग्राफ है, समझ गए, ओके। तो मैक्सिमम जो है मतलब यहाँ कहीं 2 फेमटोमीटर के आसपास दिख रहा है हमको, और उसके बाद फिर बहुत पास में आने के बाद रिपल्सिव हो जाता है, ये की फीचर है। तो सेम ग्राफ फॉर न्यूट्रॉन ऑल्सो एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऑल्सो, न्यूक्लियर फोर्स ये करस्पॉन्डिंग एनर्जी। अच्छा यहाँ पे क्या है, इनफैक्ट नॉट न्यूक्लियर फोर्स, इनफैक्ट नेट ही है, लेकिन यहाँ पे कोई रिपल्शन तो है नहीं कूलम्बिक, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, कोई कूलम्बिक रिपल्शन नहीं होगा, राइट। वेयर एज प्रोटॉन प्रोटॉन सिस्टम अगर होगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन सिस्टम में क्या, कूलम्बिक रिपल्शन भी होगा, और जो कूलम्बिक रिपल्शन होगा वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, राइट। तो यहाँ पे वो फीचर दिख रहा है कि जब ज्यादा डिस्टेंस है तब दिख रहा है ये रिपल्सिव फोर्स है, दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये रिपल्सिव फोर्स है, क्यों, स्लोप देख रहे हो, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, यानी तुम्हारा सॉरी माइनस डेल यू बाई डेल एक्स पॉजिटिव, डेल यू बाई डेल एक्स नेगेटिव और माइनस डेल यू बाई डेल एक्स पॉजिटिव, विच मीन्स यहाँ पे रिपल्सिव है नेट फोर्स। उसके बाद किसी जगह पे पहुंच रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों फोर्स तुम्हारे बराबर हो गए, राइट, न्यूक्लियर अट्रैक्शन और कूलम्बिक रिपल्शन ये बराबर हो गए, तो इसलिए यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो गया, राइट। उसके बाद क्या होगा, इस बैरियर को क्रॉस करने के बाद देन इट विल स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट कमिंग टुगेदर, समझ गए कि नहीं, प्रोटॉन्स आपस में पास में आने लगेंगे, राइट, समझ में आई बात कि नहीं। तो अगर मान लो तुमको लेट अस फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करना, तो फ्यूजन रिएक्शन ऐसे ही नहीं स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा कि एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन मिलकर एक दूसरे की तरफ ने फायर कर दिया एंड दे कंबाइन टुगेदर, एक प्रोटॉन अगर एक दूसरे की तरफ फायर कर दिया तो कुछ नियरेस्ट डिस्टेंस तक पहुंच के फिर वापस 180 डिग्री टर्न लेके चले जाएंगे, हेड ऑन भी होगा तो भी, अनलेस दे आर एबल टू ओवरकम दिस बैरियर। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का जो बैरियर है इसको कूलम्बिक बैरियर कहते हैं, समझ रहे कि नहीं, कूलम्बिक बैरियर क्रॉस हो जाएगा तो देन दे विल फ्यूजन टू ईच अदर, समझ रहे कि नहीं, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन में यही चैलेंज है, कूलम्बिक बैरियर कैसे ओवरकम होता है, याद करो कल मैं बता रहा था कि चाइना में ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट कर सके, 10⁹ केल्विन टाइप का। तो होता क्या, हाई टेम्परेचर होता क्या, याद करो केटीजी में टेम्परेचर इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर काइनेटिक एनर्जी, इज इट नॉट। हाई टेम्परेचर मतलब क्या है, पार्टिकल्स के अंदर बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी है, तो प्रोटॉन्स के अंदर अगर बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी है 10⁹ केल्विन पे लगे तो क्या है, देन सम प्रोटॉन्स माइट बैंड इनटू ईच अदर with sufficient velocity to overcome the Coulombic barrier, समझ में आ गया बात के लिए, and then fusion reaction can start, ठीक है। उसके अंदर भी बॉम्ब हमने क्रिएट कर लिया, तो बॉम्ब के लिए लेकिन हमें क्या है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन चाहिए। तो जहां तक मुझे मालूम है इनिशियली जो टेम्परेचर चाहिए वो फिशन रिएक्शन से क्रिएट करते हैं और उस फिशन के बाद फिर फ्यूजन रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होने लग जाता है, ठीक है। बट चैलेंज इज टू हैव कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि उसी के लिए अभी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जिसको लेके मैंने बताया था, आइटर प्रोजेक्ट चल रहा है,
दे वॉन्ट टू क्रिएट कंट्रोल थर्मल इन्फ्यूजन। तो ये समझ में आया ना ये पोटेंशियल की ग्राफ एंड व्हाट इज कूलम्बिक बैरियर। अच्छा बाय द वे जैसे तुम लोग एटम्स के लिए क्या लेते हो टी टेम्परेचर पे एनर्जी क्या लेते हो ट्रांसमिशन काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT लेते हो राइट अगर टी टेम्परेचर होता है। तो ये जो 3/2 kT है दिस इज अ यूनिवर्सल नंबर, ऐसा नहीं कि खाली एटम्स के लिए ट्रू है, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। अगर टी टेम्परेचर पे मेरा इलेक्ट्रॉन गैस है तो उसका भी ट्रांसलेशन एनर्जी क्या होगा 3/2 kT, न्यूट्रॉन गैस है तो 3/2 kT, प्रोटॉन है तो भी 3/2 kT, ठीक है सब पार्टिकल्स के लिए ये वैलिड है 3/2 kT जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है नहीं। अच्छा एक ये भी सवाल है कि मान लो तुम्हारा 10^9 केल्विन जनरेट तो कर लिया लेकिन 10^9 केल्विन पे अगर तुम्हारा सब्सटेंस है तो उसको रखोगे कहाँ पे, कोई भी चीज तो मेल्ट हो जाएगी सारे मटेरियल पार्टिकल्स तो मेल्ट हो जाएंगे, तो उसको कैसे कैसे उसको कंटेन करते। याद करो मैंने मैग्नेटिक्स में एक बात बताई थी मैग्नेटिक बॉटल, याद है मैग्नेटिक फील्ड्स में हम उसको कन्फाइन करके रख सकते हैं, मतलब उसको कोई फिजिकल किसी क्रूसिबल के अंदर तो मैं उसको संभालने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोटॉन्स हैं तो यू कैन कन्फाइन इट यूजिंग वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड्स। तो टोरॉइडल कोर्स होते हैं जिसके अंदर हम टोरॉइड्स के अंदर इस तरह के हाई एनर्जी पार्टिकल्स को कंटेन करके रखते हैं, या सोलेनोइडल टाइप के कोर्स होते हैं, ठीक है ओके। तो क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, द पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स फॉर इंटरैक्शन इंटर न्यूक्लियॉन सेपरेशन आर शोन, इंटरैक्शन बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन PN दोनों दिखा रखे, यहाँ पे कूलम्बिक बैरियर है यहाँ पे कोई कूलम्बिक बैरियर नहीं, ठीक है ओके। तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम्बिक फोर्सेस व्हिच इन टर्न आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्सेस, ये भी एक तरह से फैक्ट की तरह से ध्यान रखना है, मतलब सेम डिस्टेंस के ऊपर अगर तुम ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेयर करोगे, दो पार्टिकल्स रख दिए लेट अस से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कुछ छोटे से डिस्टेंस पे रख दिए, तो उसी डिस्टेंस पे इनके न्यूक्लियर फोर्स को कंपेयर करो इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूट्रॉन में तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन मान लो प्रोटॉन प्रोटॉन 2 फेमटोमीटर पे रख दिए, तो इस 2 फेमटोमीटर पे इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स काउंट करो, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काउंट करो, इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स काउंट करो, तो न्यूक्लियर फोर्सेज आर मच मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज विच इन टर्न आर स्टिल मच मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्सेज। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्सेज इन नेचर है, ठीक है नहीं समझे कि नहीं, वन ऑफ द वीकेस्ट क्या मतलब वीकेस्ट ही मैं कहूंगा, ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स, बट फिर भी क्या है जब यूनिवर्स में गैलेक्सीज वगैरह के मूवमेंट की बात होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करता है, लेकिन जब बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात करते हैं एटम्स एटम्स बनने की तो फिर एटम्स के मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेज ही मतलब गवर्न कर रहे होते हैं वो फेनोमेना, बट अदरवाइज न्यूक्लियर फोर्सेज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द अदर टू फोर्सेज, ठीक है। अच्छा बाय द वे मैंने ये ग्राफ यहाँ पर भी दिया हुआ, उसके बाद एक ग्राफ और भी दिया है जो कि ग्राफ इससे सिमिलर ही है, ये एनसीईआरटी वाला ग्राफ है, तो मतलब अगर डेटा के ऊपर रिलाय करना है तो एनसीईआरटी वाले डेटा पे रिलाय कर सकते हैं, ठीक है मतलब सिमिलर ही बनाने की कोशिश की है बट एनसीईआरटी के ग्राफ को रेफरेंस मान सकते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव बात है। एनसीईआरटी के हिसाब से 0.8 फेमटोमीटर होता है जिसके बाद रिपल्सिव हो जाता है, ठीक है ये नंबर लिखा हुआ एनसीईआरटी ने, तो इसको ध्यान रखना 0.8 फेमटोमीटर। क्या लिखा था, न्यूक्लियर फोर्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन बिकम्स मोर देन अ फ्यू फेमटोमीटर्स, ठीक है यहाँ पे देखो 3 फेमटोमीटर के बाद फ्लैट हो गया ग्राफ ओके। दिस लीड्स टू सैचुरेशन ऑफ फोर्सेस इन मीडियम एंड लार्ज साइज न्यूक्लियर लीडिंग टू कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये बात मैंने कल बताई थी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्यों कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, खाली नेबर से लगता है और दूर वालों से लगता ही नहीं, इसलिए कॉन्स्टेंसी हो जाती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.8 फेमटोमीटर, तो ये 0.8 फेमटोमीटर पे इसका वैल्यू है, ठीक है तो जान के ये ग्राफ दोबारा से मैंने बनाया क्योंकि यहाँ पे ये 0.8 फेमटोमीटर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, ठीक है तो दिस ग्राफ इज नॉट टू द स्केल ओके। दीज टू ग्राफ्स ये रेसनिक से उठाए थे या पता नहीं सर्वे से उठाए थे, बट दे आर नॉट टू द स्केल और मे बी दे आर टू द स्केल, बट हमको एनसीईआरटी वाले ग्राफ पे रिलाई करना है, ठीक है। एनसीईआरटी क्या बोलता है 0.8 फेमटोमीटर, तो हमें 0.8 फेमटोमीटर ही याद रखना, ठीक है। At separation smaller than this, the force becomes repulsive, while above this distance, force is attractive. Okay. Nuclear force between NN and NP is same. It does not depend on electric charge of the nucleon. So obviously, neutron proton के अंदर कोई electrostatic repulsion नहीं है, इसलिए same ही होगा. NN और NP का same रहेगा graph. Unlike Coulomb's law or gravitation, there is no simple formula for nuclear force. मतलब ऐसा नहीं कि GMM by R cube लगा दें, R to the power 4 लगा दें. ऐसे कोई simple formula नहीं है. Modeling ही चल रही है उसके अभी तक. But there's no simple formula which captures न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपरली, ठीक है ओके। तो देखो ये सेक्शन अगर कुछ डाउट होते मेरे को बोल दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते। इसके बाद जो अगला आइडिया, अभी अभी तक तो सब क्वालिटेटिव बातें कर रहे थे, अब धीरे धीरे क्वांटिटेटिव काम शुरू करने वाले हैं। तो उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ मास एक्सेस टर्म्स। तो मास एक्सेस क्या होता है ये मैंने कल डिफाइन किया था। क्या करना है,
एटॉमिक मास नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी एटॉमिक मास है उसमें से एटॉमिक मास नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज द मास एक्सेस। ठीक है, तो मास एक्सेस के टर्म्स में हम डिफाइन करेंगे, पहले तो नॉर्मली बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन किया। मान लो मेरे पास कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस को क्या लिखोगे, जैसे एक्स है तो जेड ए इस तरह से न्यूक्लियस को लिखते हो, ठीक है, इसका अंदर इसमें जेड प्रोटॉन्स है और ए इसका टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तो क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज रिटन एज जेड टाइम्स एम एच। एम एच क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ध्यान रखना न्यूक्लियर मास नहीं है, एटम का मास है, जेड टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ द एटम। अब तुम लोग सोचोगे यार न्यूक्लियर मासेस में करना चाहिए था, ये एटॉमिक मासेस में क्यों कर रहे हैं, एटॉमिक मासेस में इसलिए कर रहे हैं, पहली बात तो जो टेबल्स तुमको अवेलेबल होते हैं उसमें एटॉमिक मासेस ही अवेलेबल रहते हैं, न्यूक्लियर मासेस नॉर्मली अवेलेबल नहीं रहते। और दूसरी बात क्या है कि जब z टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कर दिया तो तुमने z इलेक्ट्रॉन्स का मास कंसिडर कर लिया, राइट, और यहाँ पे तुमने जब ये एटम का मास लिया तो इसके अंदर भी तो z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो यहाँ पर भी z इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा काउंट कर लिए और यहाँ पे भी z इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, तो कैंसिल हो गया ना इलेक्ट्रॉन मास, दैट्स व्हाई यू कैन ऑलवेज डू इट इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस। ध्यान रखना, मतलब कभी कभी क्या होगा इलेक्ट्रॉन मास अलग से दे रखा होगा तुमको और एटम हाइड्रोजन एटम का मास अलग से दे रखा होगा, तो डोंट फील टेम्पटेड टू सब्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन मास, जरूरत ही नहीं उसकी, एटॉमिक मासेस में काम कर सकते हैं। और बाकी ये तो समझ में आ रहा होगा, तो ये एक तरह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मास को छोड़ दे तो जेड टाइम्स प्रोटॉन्स का मास आ गया, ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स का मास आ गया और ये फिर न्यूक्लियर मास ऑफ वो हो गया, ठीक है, बट दोनों तरह इलेक्ट्रॉन मास ऐड करके एटॉमिक मासेस में इक्वेशन बन गई। सो आई होप दिस इज क्लियर, समझ गए बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, यही होता है कि न्यूक्लियॉन्स का मास इंटू सी स्क्वायर माइनस एटम का मास इंटू सी स्क्वायर, तो ये बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, वेयर एम एच इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एम एन इज द न्यूट्रॉन मास, एम इज द एटॉमिक मास ऑफ द एटम करेस्पॉन्डिंग टू द गिवन न्यूक्लियस। ओके, नोट दैट वी आर एबल टू वर्क विद एटॉमिक मासेस बिकॉज मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसिल आउट इफ जेड हाइड्रोजन एटम्स विल, क्यों, क्योंकि जेड हाइड्रोजन एटम्स विल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज एन एटम विद एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है, फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेशन द मोर कन्वीनियंट फॉर्मूला इज z times delta h plus a minus z times delta n minus delta into c square। अब ये symbols क्या represent करते हैं, delta h है मेरा excess mass of hydrogen atom, excess mass मैंने कल बताया था ना, mass excess, तो delta h क्या mass excess in hydrogen atom, delta n क्या न्यूट्रॉन का mass excess, और ये क्या है मेरा, ये इसका क्या कहते हैं अपना एटम का मास एक्सेस है, तो सारा का सारा काम मास एक्सेस में भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को प्रूफ क्या है, अभी अगले सेक्शन में इसको प्रूफ भी करने वाला हूँ व्हाई दिस वर्क्स, बट अभी मैंने जस्ट स्टेट कर दिया, तो फॉर्मूले की स्टेटमेंट समझ में आई कि नहीं, यही फॉर्मूला है, इसमें सब जगह मैंने एक्सेस मास में कन्वर्ट कर दिया पूरे के पूरे फॉर्मूले को, ठीक है, वेयर डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा एन एंड डेल्टा आर मास एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, न्यूट्रॉन एंड द एटम करेस्पॉन्डिंग टू द गिवन न्यूक्लियस। इक्वेशन टू डायरेक्टली फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन वन एज फॉलोज, डेल्टा एच क्या मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस वन एमयू, ठीक है, और डेल्टा ऑफ न्यूट्रॉन क्या मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस वन एमयू, और डेल्टा क्या मास ऑफ एटम माइनस एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, तो इक्वेशन वन जो है अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको एमएच को क्या लिख सकता हूं, वन एमयू प्लस मास एक्सेस, राइट, लिख सकता हूं कि नहीं, इसी तरह से इसको क्या लिख सकता हूं, ए माइनस जेड इंटू वन प्लस डेल्टा ऑफ न्यूट्रॉन, और यहां पर क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं डेल्टा प्लस ए एमयू, ये इसको क्या लिख सकता हूं डेल्टा प्लस ए, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर में डेल्टा ऐड कर दोगे तो मास बन जाएगा ना, तो डेल्टा प्लस ए इंटू सी स्क्वायर, समझ गए, ये एमयू बाहर होना चाहिए यानी सब जगह, या तो मतलब समझ गए ना, तो अब इसके अंदर देखो जब इसको एक्सपैंड करोगे तो दिख रहा है एमयू वाला पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, दिख रहा है सब जगह, जितने एमयू है सारे एमयू एक्सपैंड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये कैंसिलिंग सुटेबल टर्म्स वी गेट दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास एक्सेस। क्लियर है सभी को, एक बार देख लो सेक्शन को, कहीं पे भी डाउट है तो बोल दो। तो अभी इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड हैविंग रेडियस वन एंड अ हाफ टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम 27 न्यूक्लियस। ठीक है, कोई एटम है जिसका रेडियस क्या है तो तुम्हें वो न्यूक्लियस फिगर आउट करना पड़ेगा, तो वो न्यूक्लियस कैसे फिगर आउट करोगे, तो याद करो हमारा आर क्या होता है, आर नॉट ए टू द पावर 1/3 होता है, राइट, तो उसका यूज करके तुम फिगर आउट करोगे कौन सा ये एटम की बात हो रही है, राइट, फिर वो जो एटम पता चल गया तुमको उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए फिर एक बार उसका एटम उसका मास नंबर पता चल गया तो फिर तुम फिगर आउट करोगे कौन सा न्यूक्लियॉन है,
उसके बाद फिर उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, मैं यहाँ पे डिस्कशन शुरू ही कर देता हूँ। हेयर वी मस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई द न्यूक्लाइड एंड देन यूजिंग एटॉमिक मास चार्ट। तो मास नंबर तो तुम्हें चाहिए होंगे उसके लिए। तो आर इज इक्वल टू क्या, आर नॉट एट द पावर 1/3। तो एल्यूमिनियम के लिए अगर मैं आर बोल देता हूँ तो मेरा रिक्वायर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, आर बाई टू नहीं होगा, इनफैक्ट ये दिस शुड बी आर डिवाइड बाई 3/2, तो 2/3 होगा, है ना। जस्ट वन सेकंड, 1.5 टाइम स्मॉलर का मतलब क्या है, वो 2/3 आर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज आर नॉट एट द पावर 1/3। ओके, अब क्या करो, आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ए और ए डैश, ये ए टू द पावर 1/3 या ए डैश टू द पावर 1/3, दोनों को डिवाइड कर दो। तो ए डैश बाई ए होल टू द पावर 1/3 क्या आ गया, तुम्हारा 2/3 आ गया। ठीक है, तो इससे ए डैश बाई ए क्या आ गया, 8/27 आ गया। राइट, समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए डैश क्या है, अब ए तो मेरा 27 है, एल्यूमिनियम का तो 27 है, तो ए मेरा क्या है, इसका मतलब ए डैश मेरा 8 है। तो यानी हमारा रिक्वायर्ड न्यूक्लाइड क्या हो जाएगा, अगर चार्ट देखोगे तो दिस इज बेरिलियम 4.8, यानी 4 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स, ये मेरा बेरिलियम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई किया न्यूक्लाइड को, तो न्यूक्लाइड आइडेंटिफाई हो गया। अब हमको क्या दे रखा है, अब ये डेटा यूज करके कैलकुलेशन में चाहता हूँ खुद से करो। तो एक्सेस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 0.00783, याद रखना है इसको। ठीक है, याद ना भी रखो तो चलेगा, वैसे मुझे याद हो गया, 786 से 3 कम। ठीक है, 0.00783, और ये क्या है, न्यूट्रॉन का 0.00867। ठीक है, और बेरिलियम का ये चार्ट में, ये जनरली वैसे नंबर्स गिवन होने चाहिए बट याद हो तो अच्छी बात है, बेरिलियम का लेकिन चार्ट से ही देखना पड़ेगा मेरे को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का याद रहता है, मतलब याद रहता है कि कुछ दिन पहले याद हो गया, शायद कितने कुछ दिन का याद रहेगा। ठीक है, बेरिलियम का 0.00531 है, ये गिवन है डेटा। अब इसका यूज करके इसकी बाइंडिंग एनर्जी सब लोग खुद कैलकुलेट करो। और हाँ, वन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है दैट इज 931.5 MeV by C square, ये भी याद रखना। ठीक है, वन यूनिट कितना होता है, 931.5 MeV per C square, तो ये यूज कर सकते हो। अब इसको जल्दी से खुद से कैलकुलेट कर लो, अभी डू इट क्विकली। चलो सिंपल ही है ये, वैसे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या करना है हमको, मास एक्सेस में ही काम करना है, तो Z डेल्टा H प्लस A माइनस Z डेल्टा N माइनस डेल्टा इंटू C square ये करना है। ठीक है, तो इसको AMU में पहले कन्वर्ट किया, इनफैक्ट UC square लिखना चाहिए था मुझे। तो बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स हैं तो 4 हाइड्रोजन एटम्स का एक्सेस आ गया, और 4 न्यूट्रॉन्स हैं तो 4 न्यूट्रॉन का एक्सेस आ गया, माइनस बेरिलियम के एटम का खुद का एक्सेस आ गया, इंटू यूसी स्क्वायर करना चाहिए था बिकॉज ये एएमयू है, इतना यूसी स्क्वायर करना होगा। एंड 1 यूसी स्क्वायर इज योर 931.5 एमईवी, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 931.5 से, तो ये आ गया मेरा बाइंडिंग एनर्जी, कितना आ गया, ये 56.3 एमईवी आ गया। ठीक है, यानी बेरिलियम न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए उसके, अगर सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, एनर्जी रिलीज जो होती है न्यूक्लियर, एनर्जी रिलीज इन अ रिएक्शन इज चेंज इन द बाइंडिंग एनर्जी, ग्रेटर द फाइनल बाइंडिंग एनर्जी मोर इज द एनर्जी रिलीज, दिस कैन बी डायरेक्टली वेरीफाइड बाय राइटिंग द पार्शियल रिएक्शन ऑफ स्प्लिटिंग द न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स। अब ये बात क्या है, ये समझना। ठीक है, वैसे तो फैक्ट की तरह याद करके भी काम हो जाएगा बट समझ लो तो ज्यादा अच्छा है, ध्यान से समझना। कुछ रिएक्टेंट्स के कुछ मासेस थे, ठीक है, और प्रोडक्ट्स के कुछ मासेस हैं, तो अगर मेरी एनर्जी रिलीज हुई है इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट्स का मास जो है स्मॉलर होना चाहिए रिएक्शंस के लिए, राइट। सबसे एनर्जी रिलीज हुई है देन मास ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी स्मॉलर देन मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट्स का मास अगर स्मॉलर है इसका मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी हाई होगी या लो होगी, बाइंडिंग एनर्जी विल बी हाई, जितना ज्यादा मास लॉस होते जाएगा उतना ज्यादा हाई बाइंडिंग एनर्जी होगी, समझ में आई बात की नहीं। तो मास प्रोडक्ट्स, मास रिएक्टेंट्स का ज्यादा है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट्स की ज्यादा होगी। तो एनर्जी रिलीज अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, या तो रिएक्टेंट्स के मास में से प्रोडक्ट्स का मास माइनस करके सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, या बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में देखना है तो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी करना पड़ेगा। अब ये क्यों है, तो सोच के देखो, पार्शियल रिएक्शन लिख सकते हैं हम, पार्शियल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो मेरे 2 अल्फा पार्टिकल्स मिलके एक मान लो बेरिलियम बनाते हैं, लेट अस मान लो अल्फा पार्टिकल, मेरा रिएक्शन ऐसे है कि आई सपोज वांट टू राइट अल्फा प्लस अल्फा गिव्स योर यू बेरिलियम 4-8, ये मान लो दे रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ विजुलाइजिंग दिस रिएक्शन डायरेक्टली, मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा और अल्फा इसको सारे न्यूट्रॉन सारे प्रोटॉन्स में तोड़ दो, तो नाउ यू विल हैव 4 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स, तोड़ के अलग अलग कर दिया, राइट। नाउ यू कंबाइन ऑल दीज 4 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स टू फॉर्म द बेरिलियम न्यूक्लियस, तो जब अल्फा पार्टिकल्स को तुमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन में तोड़ दिया तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर कंज्यूम होगी, अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी कंज्यूम होगी लेफ्ट साइड पे, राइट। और जब इन सब आठों को मिला के
बेरिलियम का न्यूक्लियस बना दिया, तो बेरिलियम की बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो गई, समझ में आई बात के लिए। तो टोटल एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगी मेरी, वो हो जाएगी सेकेंड प्रोसेस में जितना एनर्जी रिलीज हुई माइनस फर्स्ट प्रोसेस में जितना एनर्जी कंज्यूम हुई, राइट। तो समझ में आया ना, तो दिस इज नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, ध्यान रखना। मास डिफेक्ट अगर देख रहे हो, मास मास के हिसाब से देख रहे हो एनर्जी रिलीज निकालना है, तो इनिशियल माइनस माइनस फाइनल मास इनटू सी स्क्वायर होगा, और बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में देख रहे हो तो इट विल बी फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी इनटू, अब सी स्क्वायर नहीं, बाइंडिंग एनर्जी में ऑलरेडी सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो ये बात समझ में आएगी ना। अगर एनर्जी रिलीज निकालनी है तो इट शुड बी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, या फिर मास के टर्म्स में देखना है तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, मास में लेफ्ट माइनस राइट करना है मास के लिए, और बाइंडिंग एनर्जी के साथ करना है तो राइट माइनस लेफ्ट करना है, समझ गए। तो यही लिखा हुआ, तो एनर्जी रिलीज इन अ रिएक्शन इज चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी, ग्रेटर द फाइनल बाइंडिंग एनर्जी मोर इज द एनर्जी रिलीज, ठीक है। दिस कैन बी डायरेक्टली वेरीफाइड बाय राइटिंग द पार्शियल रिएक्शंस और स्प्लिटिंग द न्यूक्लियाई इनटू न्यूक्लियॉन्स। तो ऐसे मत सोचो कि अल्फा से सीधे बेरिलियम बन गया, पहले सोचो अल्फा को तोड़ के मैंने आठ चार प्रोटॉन्स चार न्यूट्रॉन्स बनाए और उनको फिर कंबाइन करके मैंने एक बेरिलियम बनाया, पार्शियल रिएक्शंस। तो उसमें फाइनल प्रोसेस में एनर्जी रिलीज माइनस इनिशियल प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम, तो समझ में आ रहा है ना, दैट विल बी डिफरेंस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, राइट, ठीक है। और फिर क्या लिखा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियॉन इज जीरो। तो कभी कभी क्या होगा, रिएक्शन में खाली एक प्रोटॉन लिखा होगा या खाली एक न्यूट्रॉन लिखा होगा, तो खाली एक प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी जीरो ही होती है, राइट। खाली एक सिंगल न्यूट्रॉन है अगर खुला घूम रहा है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी जीरो ही होती है, राइट, ठीक है। तो ये सेक्शन एक बार देख लो, अगर कुछ डाउट तो बोल दो, लेट मी, अच्छा ठीक है, सेक्शन तो खैर गया, ये क्वेश्चन के बाद ही रिमार्क्स लिखे, ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो देन यू कैन रेज योर हैंड, आई टेक अप योर डाउट्स, ठीक है। अभी बाइंडिंग एनर्जी के अंडरस्टैंडिंग पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, तीन पार्ट्स है इनफैक्ट, तो खुद से ट्राई करना। क्या है क्वेश्चन, मेकिंग यूज ऑफ द टेबल्स ऑफ एटॉमिक मासेस फाइंड द मीन बाइंडिंग एनर्जी पर वन न्यूक्लियॉन एंड ओ सिक्सटीन न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इसका निकाल लो, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन अ बी इलेवन न्यूक्लियस। अच्छा ये क्वेश्चन अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, हाउ विल यू फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन न्यूट्रॉन, यहाँ पे वन न्यूक्लियॉन नहीं लिखा है। अब बेरिलियम सॉरी बोरॉन 11 में तो कुछ प्रोटॉन्स भी होंगे और कुछ न्यूट्रॉन्स भी होंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से प्लीज, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। बोरॉन के अंदर कुछ न्यूट्रॉन्स भी होंगे, कुछ प्रोटॉन्स भी होंगे, और क्या पूछे, एक न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पूछिए। उसको निकालने के लिए सोचना पड़ेगा कि अगर मैं एक न्यूट्रॉन को प्लक आउट करूंगा तो कितनी एनर्जी लगेगी, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि इसमें से एक न्यूट्रॉन प्लक आउट करके कौन सा स्पीशीज बनने वाला है। तो इसमें से एक न्यूट्रॉन अगर प्लक आउट करोगे तो यू विल गेट बोरॉन 10। तो इसका मतलब क्या, बोरॉन 11 का जो मास इंटू सी स्क्वायर है माइनस बोरॉन 10 का जो मास इंटू सी स्क्वायर है वो एक न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी होगी। बात समझ आएगी नहीं, सीधे ऐसे मत कर देना कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की करीब करीब बराबर होती है, ये वैल्यू रिपोर्ट करूंगी, ऑल्दो उसके आसपास ही होना चाहिए, बट इन्फॉर्मेशन विल बी सफिशियंट टू कैलकुलेट एक्जैक्टली एक न्यूट्रॉन की कितनी बाइंडिंग एनर्जी, समझ में आई बात करिए। ऐसे ही एक प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी अगर पूछिए तो इसमें से एक प्रोटॉन प्लग आउट करोगे तो यू विल बी गेटिंग बेरिलियम 411, राइट, पता नहीं होता है कि नहीं होता है। तो फिर बेरिलियम 411 के मास में से इसके मास को माइनस करो, अगर इसके मास में से बेरिलियम 411 के मास को सॉरी न्यूट्रॉन निकालोगे तो हैवियर मास आएगा, सर तो बेरिलियम 411 के मास में से बोरॉन 511 का मास माइनस करोगे, ठीक है, सॉरी 10 हो जाएगा ना, बेरिलियम अगर इसमें से प्रोटॉन निकालोगे तो इट विल बिकम बेरिलियम 410, सॉरी 410 बनेगा। तो बेरिलियम 410 और इसके मास में जो डिफरेंस होगा इंटू सी स्क्वायर करोगे वो न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी होगी, आई बात समझ में कि नहीं। तो ध्यान से करना इस तरह क्वेश्चन, सीधे सीधे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन के बराबर रिपोर्ट नहीं करते हैं। फिर क्या पूछा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ओ सिक्सटीन न्यूक्लियस इंटू फोर आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो ओ सिक्सटीन को अगर तुम तोड़ोगे चार आइडेंटिकल पार्टिकल्स में तो यू विल गेट फोर अल्फा पार्टिकल्स, राइट। इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड पूछी है तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस देखना पड़ेगा तुम्हें, अल्फा पार्टिकल्स का और इसका, राइट। तो अब दे क्या रखा है, डेटा में दे रखा है ओ सिक्सटीन का मास डिफेक्ट दे रखा है, कितना मास एक्सेस, सॉरी नॉट डिफेक्ट, मास एक्सेस है -0.00509, अल्फा का दे रखा 0.00260 और बोरॉन 11 का दे रखा 0.00930 और बोरॉन 10 का दे रखा है 0.01294 और लिथियम 7 का दे रखा है 0.01601, ठीक है। तो ये अभी खुद से ट्राई करो, ऑल राइट, एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी मैं इसको। तो सबसे पहले क्या पूछा था, मीन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ओ सिक्सटीन न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी मास एक्सेस के टर्म्स में हमारा क्या फॉर्मूला था, जेड इंटू हाइड्रोजन का मास एक्सेस, ठीक है।
तो जेड तो मेरा क्या होगा यहाँ पे 8, 8 और हाइड्रोजन का मास एक्सेस क्या है 0.0078। तो ये पिछले क्वेश्चन से आधे टेस्ट कॉपी कर लिया, हाइड्रोजन का और न्यूट्रॉन का यहाँ पे डेटा दे रखा था वो मैंने आधे टेस्ट यूज कर लिया। ठीक है, तो 8 × 0.0783 ये हाइड्रोजन का मास एक्सेस है। ठीक है, फिर उसके बाद 8 × न्यूट्रॉन का मास एक्सेस और माइनस मुझे एटम का मास एक्सेस करना था, तो एटम का मास एक्सेस नेगेटिव है इसलिए ये प्लस साइन हुआ। ठीक है, दिस इनटू यूसी स्क्वायर ये मेरा, और डिवाइडेड बाय 16 क्यों किया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मेरे 16 है और पर न्यूक्लियॉन मुझे ढूंढना है, तो बस इसको कैलकुलेट करना और 1 यूसी स्क्वायर को 931.5 एमईजी लेना। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते हो तो 7.98 एमईजी पर न्यूक्लियॉन हो जाता है। ठीक है, फेयर इनफ, ए पार्ट समझ में आया सभी को, क्लियर। अब बी पार्ट देखते हैं, तो बी पार्ट में क्या पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इन B11 न्यूक्लियस, मतलब न्यूट्रॉन की अलग से पूछ रहा है और अल्फा पार्टिकल की अलग से पूछ रहा है। क्वेश्चन का मतलब पहले ध्यान से समझना, न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होगा, बोरॉन 11 में से एक न्यूट्रॉन को प्लग आउट करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, और इसी तरह से अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी अगर पूछ रहा है B11 में, तो B11 में से अल्फा पार्टिकल की प्लग आउट करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, समझ गए, ये चीज पूछ रहा है, राइट। तो अब सोचो इक्वेशन क्या बनेगी, सोचो न्यूट्रॉन को मेरे को प्लग आउट करना है, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, बोरॉन 11 विल गिव बोरॉन 10 प्लस न्यूट्रॉन, इनफैक्ट इसके अंदर कुछ एनर्जी का इनपुट होगा, तो जस्ट फॉर योर ओन सैनिटी चाहो तो एनर्जी प्लस बोरॉन 11 लिख लो। ठीक है, मतलब दिस विल बी द बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ न्यूट्रॉन, राइट, तो एनर्जी का इनपुट एंड एनर्जी प्लस बोरॉन 11 विल गिव यू बोरॉन 10 प्लस न्यूट्रॉन, राइट। एंड नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस एनर्जी, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, राइट, या फिर फाइनल मास एक्सेस माइनस इनिशियल मास एक्सेस, राइट, यही हो जाएगी ना फिर बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड इस प्रोसेस में। तो क्या हो जाएगा, अभी फाइनल मास एक्सेस, तो मास एक्सेस ऑफ बोरॉन 10 प्लस मास एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास एक्सेस ऑफ बोरॉन 11 इनटू सी स्क्वायर। अब तो बस वैल्यूज पुट कर दिए मैंने और ये आ जाता है 11.46 एमईजी, कैलकुलेट कर दिया, समझ में आया ये। इसी तरह से अल्फा पार्टिकल का अगर निकालना है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए निकालना है तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे एनर्जी प्लस बोरॉन 11 विल गिव यू अल्फा पार्टिकल प्लस लिथियम 7, राइट, तुम्हें पता है मास नंबर कंजर्व होता है, प्रोटॉन नंबर कंजर्व होता है, राइट। ठीक है, यही बनेगी ना इक्वेशन। तो अब क्या हो जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, तो हीलियम का मास एक्सेस यानी अल्फा पार्टिकल का मास एक्सेस प्लस लिथियम का मास एक्सेस माइनस बोरॉन 11 का मास एक्सेस इनटू सी स्क्वायर, वही वैल्यूज अभी डाल दिए और यूसी स्क्वायर की जगह 931.5 एमईजी डाल दिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया 8.67 एमईजी। आई होप सेकंड पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया बी पार्ट। अच्छा, सी पार्ट में क्या पूछा था हमारे, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन ऑफ O16 न्यूक्लियस इनटू 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, तो ये चार आइडेंटिकल होंगे क्या, चार अल्फा पार्टिकल्स होंगे, राइट, तो मेरा रिएक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे रिएक्शन मेरा बनेगा ऑक्सीजन 16 डिसइंटीग्रेटिंग यानी फॉर्मिंग इनटू 4 अल्फा पार्टिकल्स। चाहो तो यहाँ पर भी अपनी सैनिटी के लिए ई प्लस लिख दो, तो ये ई को मैं इवैल्यूएट करना चाह रहा हूँ, राइट, एनर्जी प्लस O16 विल गिव यू 4 अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 अल्फा पार्टिकल्स की मास माइनस ऑक्सीजन का मास इनटू सी स्क्वायर, राइट, तो 4 तो मास की जगह मास एक्सेस में ही काम कर लिया हमने, तो 4 टाइम्स मास एक्सेस ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस मास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इनटू यूसी स्क्वायर, तो बस अब तो वैल्यूज डाली है और यूसी स्क्वायर 931.5 एमवी, राइट, तो ये क्या, तो ये मेरे पास आ गया 14.42 एमवी आ गया। ठीक है, समझ गए कि नहीं, इतनी एनर्जी डाल के इसके 4 अल्फा पार्टिकल्स एट रेस्ट हम बना सकते हैं थियोरेटिकली, जरूरी नहीं कि बनी जाए इस तरह से, बट दिस इज व्हाट इट मींस, एक्चुअली इतनी एनर्जी दे एग्जैक्टली इतनी एनर्जी दे नहीं पाओगे, क्योंकि जनरली जब एटम्स को एनर्जी देनी होती है तो उनको प्रोजेक्टाइल से बम्बार्ड करते तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी जो प्रोडक्ट्स बनेंगे दे विल नॉट बी एट रेस्ट, तो इसलिए जो तुमको एनर्जी देनी पड़ती है वो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है देन जस्ट रिक्वायर्ड फॉर फ्लोटिंग अपार्ट, क्योंकि खाली ऐसे ही नहीं होगा कि मतलब आके मान लो लेट अस से ये ऑक्सीजन 16 है, इससे आके मान लो तुमने कोई हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल टकरा दिया, तो हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल जब टकरा दोगे तो जब ये स्प्लिट होगा तो साथ में उनके अंदर कुछ मोमेंटम भी होगा, तो यू नॉट ओनली हैव टू प्रोवाइड फॉर द मास डिफरेंस बट ऑल्सो फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट, तो बट तो इसलिए एक्चुअल में मेरे को इससे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू अकाउंट फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग प्रोडक्ट्स, राइट, ये तो तब है कि जब जैसे किसी तरह से जस्ट वो बैठ गए, बस चार अलग अलग होकर बैठ गए इस तरह का, समझ में बात की, ऑल्दो थियोरेटिकल कैलकुलेशन के लिए सही है। ठीक है, अच्छा एक और रिमार्क क्या लिखा, नोट दैट सिंस मास नंबर इज कंजर्व्ड फॉर फाइंडिंग गेन मास वी फाउंड द चेंज इन एक्सेस मास, समझ गए, तो क्योंकि मास नंबर कंजर्व है इसलिए एक्सेस मास में सारी कैलकुलेशन की और वो आसान आसान लगी है वो। ठीक है, नहीं तो इसी में सब जगह 0.00 की जगह एक 1.00 2.09 इस तरह की चीजें एक्स्ट्रा क्यों लेके करनी। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया सबको ये वाला क्वेश्चन,
क्लियर है सभी को? तो एक क्वेश्चन और देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास। फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन ऑफ नियॉन 20 न्यूक्लियस इनटू टू अल्फा पार्टिकल्स एंड अ C12 न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बनाना है देखो। तो C12 के अंदर दो अल्फा ऐड करोगे तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर इसका आ जाएगा, राइट। ठीक है, इसको तोड़ना है मेरे को तीन चीजों के अंदर, यानी तीन पार्टिकल्स में तोड़ना है। इफ इट इज नोन दैट बाइंडिंग एनर्जी पर वन न्यूक्लियन इन नियॉन 20 HE4 एंड C12 आर इक्वल टू 8.03, 7.07 एंड 7.68 MeV। तो इन तीनों की बाइंडिंग एनर्जी इंडिविजुअली दे रखी है हमको, और हमें क्या पूछा है कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी नियॉन 20 को इन तीन पार्टिकल्स में तोड़ने में, यानी एक कार्बन और दो अल्फा में। ध्यान रखना एनर्जी रिलीज नहीं पूछी है, क्या पूछा है एनर्जी रिक्वायर्ड। तो एनर्जी रिलीज क्या होता है, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज होता है। तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी माइनस फाइनल बाइंडिंग एनर्जी, वो रिक्वायर्ड होता है। समझ में आई बात के लिए, रिलीज क्या होता है फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी, तो रिक्वायर्ड क्या होगा इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी माइनस फाइनल बाइंडिंग एनर्जी। तो सिंपल सा रिएक्शन लिखो और उसके बाद कैलकुलेशन करो, ठीक है। इसको पूरा हाथ से कैलकुलेशन करो, इनफैक्ट न्यूक्लियर में अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं हाथ से कैलकुलेट कर ली न्यूक्लियर क्या पूरे मॉडर्न में हाथ से कैलकुलेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। क्लास में टाइम बचाने के लिए भले ही हम लोग थोड़ा बहुत कैलसी यूज कर ले रहे हैं, बट वी शुड हैव अ प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेटिंग बाय हैंड एवरीथिंग, करो। ठीक है, सिंपली इसको डिस्कस कर देता हूँ, क्या क्वेश्चन है। हाँ, तो ये करना क्या है, इसमें हमें निकालना है कि एनर्जी रिक्वायर्ड निकालनी है। तो रिलीज होती है मेरी फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है रिक्वायर्ड है, तो इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड यहाँ पे पूछा। तो ठीक है, नोट दैट एनर्जी इज रिलीज व्हेन बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेस। दस इन एनी रिएक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड इज इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी माइनस फाइनल बाइंडिंग एनर्जी, एंड एनर्जी रिलीज इज फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अवर रिएक्शन इज नियॉन 20 इज टू अल्फा पार्टिकल्स प्लस कार्बन 12, तो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी 20, इसके अंदर हमें पर न्यूक्लियन दिया है तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी के लिए। 20 इंटू स्मॉल यू जो लिखा है ये पर न्यूक्लियन है, इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन ऑफ नियन माइनस इन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी, तो दो ये है तो इसलिए दो से मल्टीप्लाई किया, और हर हीलियम के अंदर चार चार न्यूक्लियन है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू 4, क्योंकि दो ऐसे हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये कार्बन 12 का, ठीक है। अब तो बस कैलकुलेट कर दिया, वैल्यूज दे रखी है, सारी वैल्यूज डाल के फाइनली मेरे पास क्या आ जाता है 11.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता, ठीक है। तो आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर न्यूक्लियर के अंदर कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखने वाले हैं, इंडो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ एक है तो ये देखने वाले हैं। उसके बाद फिर हम किस पे चलेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिकेज देखेंगे, तो अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, रेडियो एक्टिव लॉ, तो ये सब चीजें अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे। इसके अलावा तुम्हारे नोट्स में कुछ चीजें और ऐड करने वाला हूँ, अभी मैंने फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन और गामा डीके आई थिंक अभी तक है नहीं तुम्हारे नोट्स में, तो ये सब मैं एक दो दिन में और जब लिख लूंगा तो ऐड कर दूंगा नोट्स में, उसके बाद फिर ये सब नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करूंगा। शायद नहीं, कल की क्लास तो डाउट्स में चली जाएगी, तो नेक्स्ट वीक जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आगे ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो ऑल राइट, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।